तो गाइस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ी सी हम लोग चीज़ें रिजल्ट रिवाइज़ कर लेते हैं अपना हम लोग जानते हैं कि जब भी आपके पास आइडेंटिकल रजिस्टेंस दे रखे हों सपोज़ आपके पास ये आर 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 के आइडेंटिकल रजिस्टेंस हैं और आप आपके पास ये कितने हैं सपोज़ ये नंबर में एन है तो एन रजिस्टर्स अगर आपको दे रखे हैं और वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो जब हम लोग कहेंगे ए और बी के बीच में इनका इक्वलेंट रजिस्टेंस कितना आ जाएगा जो आर एस होगा वो क्या हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर और कितने टाइम्स आप एडअप करोगे जितने भी रजिस्टेंस हैं तो आप कहोगे ये एन टाइम्स हो जाएगा इसका मतलब ये है कि अगर ये तीन होते तो थ्री आर हो जाता पाँच होते तो फाइव आर हो जाता ये एन है हम कह रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा एन आर हो जाएगा तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इनका जो इक्वलेंट रजिस्टेंस है वो एन इंटू आर हो गया लेकिन तब क्या होगा जब आप इनको पैरल ऐड करोगे तो जब इनको पैरल ऐड करोगे तो जो इनका इक्वलेंट रजिस्टेंस है आप बहुत इजीली उसको भी निकाल सकते हो वन बाई आर प्लस वन बाई आर और ये कितने टाइम्स चलेगा एन टाइम्स चलेगा इसका मतलब कि जो ये टोटल सम आने वाला है एन अपान कैपिटल आर आने वाला लेकिन ये तो वन अपॉन आर पी है दैट मीन्स पैरल कॉम्बिनेशन का रेसिपोकल है तो आर पी क्या जाएगा आर अपॉन एन आ जाएगा तो दीज आर द टू रिजल्ट वेन एवर वी डील विद द आइडेंटिकल रजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन अगला फैक्ट ये होता है या हम लोग जानते हैं कि जो आपका कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम रजिस्टेंस प्रोड्यूस होने वाला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होना होने वाला है दैट मीन्स अगर आपसे आर मैक्स कहा जाएगा तो वो आर एस के इक्वल होगा आपसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है क्वेश्चन में कह रखा है आपको वाट इज द मैक्सिमम रजिस्टेंस ठीक है कैन बी मेड यूजिंग द फाइव रजिस्टर्स इसका मतलब नंबर भी आपको पता है एन की वैल्यू फाइव है और जो सिंगल रजिस्ट रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू है वन बाई फाइव ओम है तो जो आपका आर एस या आर मैक्स आ जाएगा आर एस हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए कितना निकाला है एन इंटू आर निकाला है दैट मीन्स फाइव इंटू वन बाई फाइव कितना आ गया आपका वन ओम आ गया तो दैट इज़ योर आंसर दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट थैंक यू गाइस